A very good morning to all of you students. As yesterday we have discussed about the democracy. Today we are discussing about citizens in a democratic country. तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेसी का क्या रोल है या आइडियल ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन डेमोक्रेसी किस प्रकार से रूल करती है. तो डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन का एक टाइप है जिसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं. इट इज एन आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन. डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली द रूल ऑफ मेजॉरिटी बट अ वे टू फाइनलाइज हु विल रूल द नेशन एंड वॉट विल बी द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. डेमोक्रेसी केवल ये नहीं कहती है कि जो मेजॉरिटी है उनका शासन है. डेमोक्रेसी ये डिसाइड करती है, ये फाइनलाइज करती है कि आखिर इस देश में कौन शासक रहेगा. दूसरा, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का एम डेमोक्रेसी डिसाइड करती है. अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी क्या है, ये लोगों की है गवर्नमेंट. ऐसा हम बोलें कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. लोगों की, लोगों के कारण और लोगों के लिए, ये तीन चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करती हैं. इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर कॉमन पीपल चूज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, इलेक्ट हिम एंड ही रूल्स अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी. डेमोक्रेसी का सिंपल सी मीनिंग क्या है कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है ये जहाँ पे कॉमन पीपल, साधारण से लोग अपने ही बीच में से किसी एक को चुनते हैं जो उन सभी को रिप्रेजेंट करता है और शासन करता है. किस बेसिस पे शासन करेगा वो, जो भी उस मेजॉरिटी के, कौन सी मेजॉरिटी, जिसने उसको चुना है उसकी नीड्स होंगी, उसके इंटरेस्ट होंगे, उसकी बेसिस पे ही वो शासन करेगा. डेमोक्रेसी आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज रेटेड बेस्ट. गवर्नमेंट के जितने भी टाइप्स हैं उन सभी में डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है. बिकॉज क्यों बेस्ट है, बिकॉज एवरी सिटीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. इस कारण से बेस्ट है क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी से बनती हैं उन सभी में प्रत्येक सिटीजन अपना एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल निभाता है. डेमोक्रेसी एंड सिटीजन, व्हाट इज दिस मीन. एन आइडियल डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सिटीजन्स एंड द कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज. द सिटीजन्स विल बी एबल टू टेक करेक्ट डिसीजन when they are aware of the happenings in their area or nation. Therefore, they should try to gather information through various mediums like newspaper, radios, televisions, public meetings. In a democracy, all the people should be literate and well informed so that they can make use of their voting rights correctly. अब डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी सिटीजन अगर वो अपना फैसला लेता है किसी गवर्नमेंट को चूज करने के लिए, तो सबसे पहले उसे दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, एक अपने देश का और दूसरा अपने लोकल एरिया का. अगर ये दोनों नॉलेज उसके पास नहीं है तो वो एक परफेक्ट गवर्नमेंट क्रिएट करने में भागीदारी पेश नहीं कर सकता. एक परफेक्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए वो अपने वोट को यूज नहीं कर सकता. अब वो अपने आसपास के बारे में या अपने लोकल एरिया और अपने देश के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करेगा, तो इसके बहुत सारे मीडियम्स होते हैं. वो बुक्स पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, न्यूजेस टेलीविजन्स में देख सकता है, पब्लिक मीटिंग्स में जा सकता है, रेडियोज़ के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकता है. बहुत सारे वे हैं. इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सभी लोगों का पढ़ा लिखा होना और जागरूक होना अनिवार्य है. सभी को पढ़ा लिखा होना चाहिए और सभी को जागरूक होना चाहिए, तभी वो अपने वोटिंग राइट का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. द सिटीजन्स हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. दे हैव द राइट टू अपोज द एंटी पीपल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट.
सिटीजन्स के पास क्या राइट होता है, उसने जब गवर्नमेंट बनाई, जब हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाई तो गवर्नमेंट तो बन गई, अब वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमारे नीड के हिसाब से लाएगी, या हम ऐसा बोलेंगे कि जो उसको लगता है कि ये हमारी नीड है उस हिसाब से उसने पॉलिसीज और रूल्स बनाए, और फिर भी अगर उसके लागू करने के बाद हमें लगता है कि इसमें हमारा घाटा है, ये हमारे यूज की नहीं है, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। हम उसका विरोध करेंगे और गवर्नमेंट की जो एंटी पीपल पॉलिसी होती है उस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट अपने उस फैसले को विदड्रॉ करेगी, मींस वापस लेगी। द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म गवर्नमेंट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो गवर्नमेंट बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया इज आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया भी इसी का एक एग्जाम्पल है। हम ऐसा नहीं बोलते कि केवल इंडिया में ही ऐसा होता है, इंडिया एक एग्जाम्पल है। इन आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या काम करती हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या अपने इलेक्टेड पर्सन्स को, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं और इलेक्शन में उसको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती हैं और वो पार्टिसिपेट करता है। दे कैनवास अबाउट देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू इन्फॉर्म द कॉमन पीपल। अब वो कैनवास करते हैं, रैलियां करते हैं, महासभाएं करते हैं ताकि वो अपनी पॉलिसी, अपने प्रोग्राम्स सभी कॉमन लोगों तक पहुंचा सकें, कॉमन लोगों को बता सकें कि हम ये काम करना चाहते हैं, हमारी ये पॉलिसीज होगी। द पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दे एक्सप्लेन देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू द वोटर्स। वो वोटर्स को क्या काम करते हैं, अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के बारे में समझाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। इसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा काम क्या करती हैं, ये दूसरा काम करती हैं गवर्नमेंट और पीपल्स को आपस में लिंक करती हैं। गवर्नमेंट और पीपल्स को आपस में लिंक करती हैं, मींस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाती हैं। दे हैव टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, जो एक पब्लिक की ओपिनियन होती है, राय होती है, उसको फॉर्म करने में मदद करती हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्टी विच हैज सिक्योर्ड द मेजॉरिटी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। द रिमेनिंग पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन। द अपोजिशन कंट्रोल्स द गवर्नमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड एडजर्नमेंट मोशन विच कंपेल्स द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड चेक्स एंड बैलेंसेज। अब क्या होता है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पीपल्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट तो बना लिए, अब वो जिस पार्टी के हैं, अगर उस पार्टी के मेजॉरिटी पाई जाती है, उस पार्टी में मेजॉरिटी पाई जाती है, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स जीतते हैं, चुने जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं और बाकी सभी क्या बन जाते हैं, अपोजिशन। अब अपोजिशन क्या होता है, गवर्नमेंट की तरह ही अपोजिशन का रोल भी होता है। क्या रोल होता है, गवर्नमेंट के लिए गए फैसलों में, गवर्नमेंट के बनाई गई पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस में अपोजिशन उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछती है और उस प्रोसेस के बारे में पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, कैसे किया और उसकी लाभ और हानियां, प्रोज और कॉन्स दोनों के बारे में पूछा जाता है। इसी के कारण ये जो प्रोसेस होती है आस्किंग की, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, इसी प्रोसेस के कारण जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल वेलफेयर के लिए काम करती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा एडल्ट फ्रेंचाइज। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट हैव इनकॉर्पोरेटेड एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग। एडल्ट फ्रेंचाइज मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ फॉलो होता है। जो वोटिंग का एक प्रिंसिपल है वो यही है।
क्या है एडल्ट फ्रेंचाइज।